हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं व्यूअर से, जैसे कि क्या आपको पता है फास्ट बॉलर अपना पेस कैसे बढ़ा सकता है? अगर आम स्विंग तेज कर ले तो उससे पेस बढ़ सकता है? क्या छोटे बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जा सकती है? अगर हाँ तो किस एज से कराई जा सकती है? क्या आपको पता है ऑफ सीजन में ट्रेनिंग को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है और वो कौन से फेज होते हैं? क्या आपको पता है क्रिकेटर्स को कौन सी डेडलिफ्ट करना चाहिए और कितनी तरह की डेडलिफ्ट होती है और डेडलिफ्ट का पोस्चर क्या है? अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तब तो वेल एंड गुड, आप सेकंड पार्ट में मूव ऑन करो, आप सेकंड वीडियो देखो। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी एक आपको सजेशन रहेगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखो, क्योंकि उसमें इतनी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप वो मिस करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि एक नॉर्मल कोच कभी इतनी चीज़ें नहीं बता पाएगा। तो प्लीज़ आप पहला फर्स्ट पार्ट देखो अगर आपने नहीं देखा है, उसके बाद से आप सेकंड पे मूव ऑन करो। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो मैं आपको पहले समरी दे दूं कि इसमें आज है क्या, तो बता दूं सबसे पहले इसमें डाइट पे है कि प्लेयर्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और मैच से पहले क्या खाना चाहिए और मैच के बाद क्या खाना चाहिए। इसके बाद है पावर हिटिंग के बारे में कि कैसे हम अपनी पावर हिटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमें पावर हिटिंग और अच्छी हो जाए। उसके बाद है कि एक दिन में प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए। उसके बाद है मोबिलिटी और स्टैटिक स्ट्रेच के बारे में, और इसमें पूरा वीडियो दिया हुआ है कि मोबिलिटी और स्टैटिक स्ट्रेच कैसे करा जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा, इसमें आपका ही नुकसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच से पहले जैसे जब प्लेयर्स जा रहे होते हैं तो डाइट क्या ले, और जब मैच ख़त्म हो जाता है तो वो क्या डाइट ले जिससे रिकवरी उनकी जल्दी हो जाए? न्यूट्रिशन जो डाइट है उसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कहते हैं कि जो हम लिक्विड्स का इंटेक करते हैं, और न्यूट्रिशन कहते हैं जो हम सॉलिड्स का इंटेक करते हैं। तो प्री मैच आपको अपने को सबसे पहले तो हाइड्रेट करना है, क्योंकि इंडिया इज़ अ हॉट वेदर कंट्री, क्रिकेट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन गेम। तो सबसे पहले तो अपने को हाइड्रेट करना है मैच से पहले, यानी कि आपको इवनिंग से ही, कल मैच है तो इवनिंग से ही आपको लिक्विड्स बढ़ाने हैं। लिक्विड में सिर्फ पानी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या नारियल पानी है। उस हाइड्रेशन के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन पर जो फोकस करना है वो प्री मैच आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने हैं। कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपका ये इंटेक हो जाए। नॉर्मली देखा ये गया है कि मैच स्टार्ट होने के 15-20 मिनट पहले नाश्ता करते हैं प्लेयर्स, वो आइडियल नहीं है। अगर आप पास चॉइस नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पास चॉइस है, आपका मैच 9:30 से स्टार्ट होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 6:30 तो मैं नहीं कहूँगा, 6:30 तो वुड बी टू अर्ली, 7:30 तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाए। क्योंकि 2 से 3 घंटे लगते हैं वो जो आपने खाया है उसकी एनर्जी आपको रिलीज़ होकर मिलने में। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस ज़्यादा करना है और प्रोटीन्स पे फोकस नहीं करना है उस टाइम पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैं आपको बता दूंगा अगर आप उसका मे बी लिंक या चार्ट डाल सकें। तो जो फूड्स होते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक टेबल है उसमें डाले गए हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आपको मैच से पहले लेने हैं। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है एनर्जी को धीमे धीमे देर तक रिलीज़ करना। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे खाने खाएं जो हमें 2, 4, 6 घंटे तक एनर्जी दें, ना कि हम ऐसा खाना खाएं जो हमें 1.5 घंटे में 1 घंटे तक ही एनर्जी दे। तो प्री मैच आपको पहले अपने को हाइड्रेट रखना है, और न्यूट्रिशन में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। पोस्ट मैच वापस आपको अपने को रिहाइड्रेट करना है, क्योंकि उससे आपकी मसल में क्रैम्प्स वगैरह ये चांसेस कम हो जाएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो लूज़ की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे या इवेंट वो रिगेन हो जाएगी। और उस टाइम पे आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा देखते हैं मैच के बाद या उसके बाद। प्रोटीन उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उस टाइम पर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो एक कॉमन एग्जाम्पल होता है जैसे पास्ता एक अच्छा एग्जाम्पल है, इमिडिएटली आफ्टर मैच या वर्कआउट या स्पेल वॉट एवर। फिर एनर्जी बार्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी खा सकते हैं। वो चार्ट है, उस चार्ट में आप ज़्यादा अच्छा देख सकेंगे कि कौन सा फूड किस इंडेक्स पे आता है।
अब प्रोटीन कहाँ पे आया इसमें? प्रोटीन आया आपके मील्स में, जो आप लंच करते हो या आप डिनर करते हो उसमें आपका प्रोटीन आए। कितना प्रोटीन आए, कितना कार्बोहाइड्रेट आए, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके, इसमें पार्ट में नहीं लेकिन मैं इसको भी बता देता हूँ। एक खिलाड़ी के लिए जो रिकमेंडेड प्रोटीन है वो है 1 ग्राम से लेके 1.7 ग्राम इनटू बॉडी वेट, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 किलो का खिलाड़ी है तो वो एक दिन में 100 से 170 ग्राम के बीच में कुछ प्रोटीन खाए। उसका कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है 10 ग्राम इनटू बॉडी वेट, यानी कि 100 किलो का खिलाड़ी है तो इनटू 10 यानी कि 1000 से लेके आगे 1.5-2000 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसका इंटेक होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बैटिंग में अगर किसी को पावर हिटिंग इंक्रीज करनी है तो किस एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करें? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर स्पेसिफिक सिर्फ एक्सरसाइज का नाम लेना है तो डेफिनेटली पावर हिटिंग को अगर आप देखेंगे तो पावर हिटिंग में लोअर बॉडी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और हाथों से आप बैट स्विंग लेते हो और फिर आपका कोर से रोटेशनल पावर आती है। तो अगर स्पेसिफिक एक्सरसाइज का ही नाम लेना है तो मैं कहूँगा कि केबल रोटेशंस, मेडिसिन बॉल थ्रोस, ये आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इसमें रोटेशनल पावर है। और जो मैंने और बात की थी कि खिलाड़ी के लिए बैट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस रोटेशनल पावर, तो रोटेशनल पावर के लिए आप केबल से और मेडिसिन बॉल से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और बैट स्पीड के लिए, जो बैट स्पीड होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो एल्बोज़ हैं वो फ्लेक्स होती हैं और एक्सटेंड होती हैं, तो उसमें ट्राइसेप्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ट्राइसेप्स पुशबैक एक एक्सरसाइज है, और आप पुश प्रेस करते हैं बारबल से या डंबल से तो उसमें आपके ट्राइसेप्स जो हैं एक्सप्लोसिवली कंट्रैक्ट होते हैं। ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में भी जो क्लीन एंड जर्क है उसमें भी वो मसल्स काम आते हैं, तो वो मसल्स जिसमें ट्राइसेप्स का एक्सप्लोसिव एक्सटेंशन है वो पावर हिटिंग में डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। पर अगेन ये तो सिर्फ क्योंकि जैसे आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी एक्सरसाइज करें तो मैंने नाम ले लिया, बट अदरवाइज ओवरऑल डेवलपमेंट ही बेटर होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एक्सक्लूसिवली ट्राइसेप्स पे या कोर पे काम किया लेकिन आपने लोअर बॉडी पे उतना काम नहीं किया, तो जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी वो आपकी वीक है। तो आपने तेज़ बैट तो घुमा दिया लेकिन पता लगा कि आपका हेड हिल गया क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं था। तो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन अगर दो एक्सरसाइजेस का नाम लेना है तो मैं कहूँगा कि केबल रोटेशंस और ट्राइसेप्स पुशबैक। पावर हिटिंग के लिए एक रोटेशनल उसका कंपोनेंट होता है, दूसरा है बैट स्पीड का होता है, तो उसमें वन ऑफ द एक्सरसाइजेस है जो केबल रोटेशन है। तो इस तरह से आप फंक्शनल ट्रेनर जो मशीन होती है इसको आप ले लें, एडिक्वेट वेट लगा लें उसमें जिसमें जितने भी आपकी कैपेसिटी हो, एक अपना शोल्डर विथ जितना आपके शोल्डर जितने चौड़े हैं लगभग उतना चौड़ा स्टांस ले लें जो कि कॉमन है हर ज़्यादातर एक्सरसाइजेस में। ग्रैब द ऐसे इसको इंटरलॉक कर लें अपने उंगलियों से, एंड जो आपका हिटिंग का जो मूवमेंट है उसको आप इमेजिन करें, एंड ये इसमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, जो मूवमेंट आपका इनिशिएट हो वो कोर और ग्लूट से ज़्यादा हो ना कि हाथ से हो। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि इसको हम रोटेट कम करते हैं और हाथ को हम ज़्यादा हिलाते हैं। तो ये एक्सरसाइज में हमें ये फोकस करना है, इमेजिन करना है कि जो हमारा रोटेशन आए वो कोर और ग्लूट से आए, क्योंकि जितना पावर ये हमें देंगे उतना हाथ कभी नहीं दे सकता है। तो ये कोशिश करें कि आपके दोनों शोल्डर्स के बीच में ही आपके हाथ रहें, यानी कि ये इधर ना रह जाएं या आगे ना निकल जाएं। ये अगर आप इसको सेंटर्ड रखेंगे, ये जब आप इसको सेंटर्ड रखेंगे ये लॉक्ड रहेंगे तो आपके कोर और ग्लूट्स ज़्यादा एंगेज होंगे। और दूसरी एक्सरसाइज जो पावर हिटिंग को स्पेसिफिक बात हुई थी, क्योंकि पावर हिटिंग के दो एस्पेक्ट बताए गए हैं कि एक तो रोटेशनल है और दूसरा क्योंकि बैट स्पीड है, बैट स्पीड आती है जब हम अपनी एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, एल्बो एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स का बहुत बड़ा काम है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। लाइट डंबल्स ले लें 2.5 kg, मैक्सिमम 5 kg, एंड यू सेट योर बेस, कीप योर बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट,
एल्बोज को ऊपर रखें एंड जस्ट थ्रो द डंबल्स बैक, इसको कहते हैं ट्राइसेप्स पुश बैक। आपकी आपकी जो एल्बो है वो स्टेबल है, उसकी हाइट सेम है, यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग द एल्बो। तो ये क्या करता है, ये आपके ट्राइसेप्स को एक्सप्लोसिवली एक्सटेंड करता है, मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, एंड दिस इज़ द सेम मूवमेंट जो आपको बैट में चाहिए। जितना आपका एल्बो एक्सटेंड जितना तेज़ होगा, जितना ट्राइसेप्स जितना जल्दी कंट्रैक्ट करेंगे, उतना आपका बैट स्विंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर से कि वार्म अप और कूल डाउन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं? देखिए, वार्म अप सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, इसका मेन पर्पस है इंजरी प्रिवेंशन। एक पहला पर्पस है इंजरी प्रिवेंशन, अच्छे वार्म अप से बहुत सी माइनर इंजरीज जो हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं, और दूसरा इसका पर्पस है कि आप गेम के लिए रेडी हो जाएं। तो वार्म अप में जो पहला तीन पार्ट्स में वार्म अप होता है, तो पहला पार्ट है बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो एलिवेट करना है, यानी कि हम 8-9 घंटे सो के आए हैं या ठंडा मौसम है, तो हमें पहले अपना बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि थोड़ी स्वेटिंग हो और ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। तो उसके लिए जैसे लाइट जॉगिंग कर ली और हल्के फुल्के बहुत ही लो इंटेंसिटी स्ट्राइड्स लगा लिए या लेग स्विंग्स कर ली या मोबिलिटी एक्सरसाइजेस की, गर्म मौसम है तो मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से ही करते करते बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। स्किपिंग जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है आपका थोड़ा सा स्पेसिफिक वार्म अप जिसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे स्प्रिंट्स लगने लगते हैं, एजिलिटी की ड्रिल्स आ जाती हैं, और फिर आपका आता है बिल्कुल जो आपको गेम रेडी करता है। जैसे मान लीजिए बॉलिंग आ गई, तो फिर थोड़ा सा बॉलिंग की जो ड्रिल्स कर ली, ये भी वार्म अप का ही हिस्सा है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया स्किल से, स्किल के मुताबिक। तो वार्म अप में हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब करने में हमारी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कि ऐसा ना हो कि वार्म अप जो है फिर वो फिटीग ले आए। तो डे टू डे अगर हम 4 डे की बात करें या मतलब मल्टी डे क्रिकेट की बात करें, तो डे टू डे वार्म अप का जो ड्यूरेशन है, जो उसकी एक्सरसाइजेज हैं, वो चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग कि हमारी टीम जो है वो कितनी टायर्ड है, कितनी फ्रेश है, बैटिंग करने जा रही है, बॉलिंग करने जा रही है, मौसम कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा सख्त मौसम है और आपने 40 मिनट का वार्म अप करा दिया, तो पता लगा कि पहले सेशन से पहले प्लेयर्स वैसे ही थक गए। तो डे टू डे चलता है, केस टू केस बेसिस चलता है, लेकिन मोटा मोटा उसके ये पार्ट्स होते हैं कि पहले आप कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसमें आप हल्की जॉगिंग, मोबिलिटी और डायनेमिक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक स्ट्रेचेस करें। एक कॉमन मैंने देखा है कि स्टैटिक स्ट्रेचेस करते हैं, यानी कि होल्ड वाले स्ट्रेचेस करते हैं, ये वार्म अप में नहीं करने हैं। वार्म अप में डायनेमिक स्ट्रेचेस करने हैं ताकि आपकी जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों पे काम हो उस तरीके से जो हमें मैच स्टार्ट होते ही अप्लाई करनी है। तो इस तरह से वार्म अप करें। और कूल डाउन, कूल डाउन में जनरली ये देखा गया है कि लोग कहते हैं भाई पसीना सूखने से पहले स्ट्रेचिंग कर लो, ये चीज़ जो है बिल्कुल भी प्रूव नहीं हुई साइंटिफिकली। बल्कि हम लोगों ने जो अपनी टीम्स में इसको ट्राई किया कि हमने कूल डाउन में स्ट्रेचिंग को उस वक्त इमीडिएटली पोस्ट मैच पोस्ट सेशन बिल्कुल ऑप्शनल कर दिया या अवॉइड कर दिया। पहला हमने जो फोकस किया वो टेम्परेचर कंट्रोल पे किया, कि जैसे ही आप खिलाड़ी जो है फील्ड से बाहर आ रहा है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो पहला हमारा काम यह है कि उसको हमें कूल डाउन करना है, उसको शेड में लाना है, उसको आइस बाथ देना है, कोल्ड शावर देना है, या उसको एयर कंडीशन में लाना है। सबसे पहले हमें उसको कूल डाउन करना है ताकि उसकी रिकवरी स्टार्ट हो सके, उसकी जो बॉडी में एनर्जी खर्च हो रही है कूल डाउन करने में वो हम स्पीड अप कर सके। तो पहली चीज़ है कूल डाउन करना है, वहाँ पे धूप में ही बैठ के स्ट्रेचिंग नहीं करने लगनी है। दूसरी चीज़ है जब आप कूल डाउन हो गए, साथ ही साथ आपने अपना उसी टाइम पे आप कूल डाउन भी हो रहा है, आइस बाथ ले रहे हो या आप पंखे में बैठे हो, तो आप कूल ड्रिंक्स पीते जाओ जो आपको रिहाइड्रेट कर दें। फिर ये सब होने के बाद जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, आपका टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो आप चाहो, आपके पास टाइम है वहाँ पे, तो आप स्टैटिक स्ट्रेचेस कर सकते हो होल्ड वाले। इसमें जो रिकमेंडेड है वो ये है कि टोटल 45 सेकंड का होल्ड काफ़ी है, वो आप पार्ट्स में भी कर सकते हो, 15-15 सेकंड के तीन होल्ड्स भी कर सकते हो। हालांकि ये एक ऐसा पोस्ट वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचेस पे जो रिसर्च है वो कंक्लूसिव नहीं है अभी तक, इस पर मतलब जैसे कहते हैं ठप्पा नहीं लगा है अभी रिसर्चर्स का कि हाँ यही है, इससे फ़ायदा है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है पोस्ट वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचेस का। फ़र्क पड़ रहा है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन
और टेम्परेचर कंट्रोल का, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि स्ट्रेचिंग करने लगें। क्योंकि कॉमन सेंस भी ये कहता है कि जब आपने कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की, मान लिया फास्ट बॉलर हैं आप, हार्ड ओवर का स्पेल डाल के आए, आपके मसल्स ऑलरेडी टायर्ड हैं, उसमें माइक्रो टीयर्स हो चुके हैं, उन टायर्ड और माइक्रो टीयर्स वाले मसल्स को आपने और खींच दिया, तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है और शायद नुकसान ही हो जाए। तो यही अभी लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं वार्म अप और कूल डाउन के, वो यही हैं। बाकी रिसर्च आती रहती है तो उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, पर मोटा मोटा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि HIIT ट्रेनिंग क्या है और मतलब कि क्रिकेटर्स इस पर कैसे फोकस करें, इसके बारे में। देखिए HIIT का जैसे फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो इसका नाम ही हाई इंटेंसिटी से स्टार्ट होता है। जैसे ही कोई चीज़ हाई इंटेंसिटी होती है तो उसमें उतनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, चाहे वो गाड़ी चलाना हो चाहे वो एक्सरसाइज करना हो। तो पहली चीज़ तो हमें समझनी है हाई इंटेंसिटी है, ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कौन करेगा, जो ट्रेंड एथलीट है, इसको हमें उसी पे करना है जो ट्रेंड है। फिर दूसरी चीज़ है हाई इंटेंसिटी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इसके रेपिटेशंस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते कि पता लगा आपने हफ्ते में 3 दिन 4 दिन HIIT कर लिया। HIIT के बेनिफिट्स क्या हैं? HIIT के बेनिफिट्स ये हैं कि वो कम समय में आपका ओवरऑल वर्कआउट कर देती है, तो आपका टाइम बहुत बचाती है, और वेट लॉस में ये बहुत कारगर साबित हुई है। क्योंकि जितनी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी होती है उतनी देर तक बॉडी जो है उसको मेटाबॉलिज्म उसका चलता रहता है, मतलब आपने 20 मिनट की HIIT की, उसके बाद घंटों तक 1-2 घंटे तक 3 घंटे तक बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती रहती है, तो उसका ये फ़ायदा होता है। जितनी लो इंटेंसिटी एक्टिविटी होती है, मान लीजिए आप बहुत स्लो जॉगिंग करते हो, जैसे ही आपने जॉगिंग बंद की 5-7 मिनट में 10 मिनट में बॉडी का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आप HIIT करते हो, अच्छी HIIT करते हो प्रोफेशनल की तरह से और एक ट्रेंड एथलीट के, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं होगे तो आप HIIT कर नहीं पाओगे, और कर भी लोगे तो आपका इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो HIIT पहली चीज़ ट्रेंड लोग हैं वही करें, क्योंकि उसमें रिगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज होती हैं और कंटिन्यूस एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी कि आपके पास टेक्निक पे काम करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपको जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। जल्दी करने में अगर आपकी टेक्निक परफेक्ट नहीं है तो टेक्निक बिगड़ेगी, इंटेंसिटी हाई रहेगी, तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। तो HIIT वो करें जो ट्रेंड हो। दूसरी चीज़ HIIT को बहुत रेगुलरली यूज़ ना करें, उसको तब यूज़ करें कि जब, दो सूरतों पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो ये कि जब एक, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2-2 महीने के आप फेजेस लेके चल रहे हो, मोनोटोनस हो जाता है कभी कभी कि 6 हफ्ते से जो है वो एक्सरसाइज चल रही है, सेम चल रही है, उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, थोड़ा सा एक फ़न फैक्टर लाने के लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग करने के लिए, एक्साइटिंग करने के लिए HIIT किया जाता है। या कभी आप बहुत बिजी हो, आप मैचेस खेल रहे हो, आपके पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, मुश्किल से 40 मिनट की विंडो मिली है, अब आप एक नॉर्मल सेशन लगाओगे तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो आपने 20-25 मिनट का HIIT कर लिया। बाकी इसको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाना है और इसको लिमिट रखना है, इसके फ़ायदे नुकसान दोनों को समझना है।